हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंट्रोल पैनल आइडियाज़। आई एम प्रमोद परियार। माय टॉपिक इज़ 1 वीक टाइमर क्या है एवं कंट्रोल पैनल में इसका क्या उपयोग है। तो दोस्तों, मैं बोलूँगा हमारे जो आईटीआई होल्डर साथी लोग एवं टेक्नीशियन साथी लोग एवं टेक्निकल वर्क करने वाले सभी साथी लोगों से बोलूँगा कि अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाकर आल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाला हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये 1 वीक टाइमर हमारे कंट्रोल पैनल में ये फिट होता है और इसका सही वर्क जो होता है इसको हम एक हफ्ते के लिए फैन को 1 घंटे के लिए रनिंग कंडीशन में लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में आपको डिटेल से समझाते हैं। फैन इज रनिंग फॉर 1 आवर्स। तो दोस्तों देखिएगा, ये 60 मिनट सेट है टाइमर के अंदर और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं रेड कलर में जो पल्स दिया हुआ है ये 53.48 ये सेकंड कम हो रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, 1 घंटे के लिए हमारे जो ट्रांसफार्मर में कूलिंग फैन लगे हुए हैं वो कंट्रोल है, 1 घंटे के लिए इनको रनिंग कंडीशन में टाइमर के थ्रू रखा गया है और ये 1 घंटे के लिए फैनों को चलाएंगे और उसके बाद फिर 1 हफ्ते के लिए ऑफ रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रोग्रामिंग चार्ट ऑफ 1 वीक टाइमर। तो जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दिया है टाइमर है और ये 167 आवर्स यानी कि 1 हफ्ते के लिए दोस्तों ऑफ है। इस तरीके से ये ऊपर का जो दिया हुआ है पल्स कम होता रहेगा। जब ये टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी, उस कंडीशन में कंप्लीट होने के बाद 1 घंटे के लिए फैनों को स्टार्ट कर देगा। तो चलिए हम समझते हैं इसका प्रोग्राम किस तरीके से करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं DSP और RST, ये दो स्विच को हम कंटिन्यू दबा कर रखेंगे। ये पुश बटन को पुश करके रखेंगे कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद प्रोग्रामिंग सेट होना चालू हो जाएगा। तो पहला आपका पॉइंट आएगा लॉक। तो लॉक जब आएगा उसके बाद हमको इसमें भरना है 0004 times 0। अगला पॉइंट आएगा दोस्तों RL1M यानी मिनट। तो इसमें हमको फिलअप करना CY ऑन पे सिलेक्शन करना है। थर्ड पॉइंट आपका आएगा STM। तो STM के में फिलअप करना है, सेट करना है पॉइंट 99.59। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन M, तो उसमें आपको सेट करना है 99.59। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों ऑफ H यानी हावर्स, जो H में हावर्स ऑफ रहेगा वो 999 सेट करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा CYCL, CYCL के सामने जो आएगा पॉइंट वो हमको सेट करना है 4 times 0। उसके बाद आएगा दोस्तों RLY2, RLY2 के सामने सेट करना है हमको NC, DIRN पर सेट करना हमको डाउन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों STRT पल्स गेट, तो इसमें हमको गेट को सिलेक्शन करना है। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा आपका FPBR, इसके सामने यस सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा FPR, इसको भी हमको यस सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा POR, पोर में हमको नो सेलेक्ट करना है। इतना होने के बाद आगे का जो रहेगा सेट अदर पैरामीटर, इट इज़
देन सेटिंग एज बिलो, जो नीचे दिया हुआ है आप देखेंगे। इसके बाद हम सेट वन को दबाएंगे और इसके बाद फर्स्ट एसटी आएगा, उसमें हमको 00.00 सेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा बन ऑन, यानी कि ऑन रखना है टाइमर को, तो बन ऑन मतलब 60 मिनट को सेट कर देने का, यानी कि एक घंटे के लिए हमारा ये फैनों को रनिंग करेगा, कूलिंग फैन को, ट्रांसफार्मर जो लगे हुए कूलिंग फैन है दोस्तों, इसको एक घंटे के लिए रन करेगा। इसके बाद आखिरी पॉइंट है बन ऑफ। बन ऑफ में सेट करना हमको दोस्तों 167.0 हावर्स। तो 167 हावर्स जो सेट रहेगा दोस्तों, वो रहेगा हमारा टाइमर पंखों को ऑफ करके रखेगा एक हफ्ते के लिए, और बन ऑन एक घंटे के लिए ऑन करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल का टाइमर है बनविक टाइमर। ये प्रोग्रामिंग देखिएगा, आपको बहुत ही ये महत्वपूर्ण साबित होगा, और आप आने वाले या कहीं भी आप साइट पे वर्क करेंगे तो आपके लिए ये आसानी से टाइमर को सेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, ओपन कंडीशन ऑफ वन वीक टाइमर। तो वन वीक टाइमर को हम ओपन करते हैं, तो देखिए ये इसका मेन बेस दिया हुआ है और ये अंदर से निकाला हुआ ये हमारा वन वीक टाइमर है। तो दोस्तों ये भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट रहते हैं वो इन पॉइंटों को फिट करते हैं तो टच कर देता है और वर्क करना चालू करता है। तो देखिए ओपन कंडीशन में हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ बराबर वीडियो में वॉच करिएगा, ये आपके लिए साइट पे टेक्निकल वर्क करने के लिए ये बहुत ही आपको नॉलेजेबल जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लॉक कंडीशन लिंक चेंज इन वन वीक टाइमर। वन वीक टाइमर सेट करते करते किसी कारणवश अगर हम गलत सेटिंग करते हैं, करते करते ज़्यादा छेड़ने पर तो ये लॉक हो जाता है। तो लॉक कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम इसका जो लिंक है इसको हम चेंज कर देंगे। जैसा कि देख रहे दोस्तों ये हमारा दिया हुआ लिंक, ये जो आप देख रहे हैं ये लिंक है, इसमें देखिए आप पॉइंट जो दिए हुए हैं एक्चुअली ये दो पॉइंट में शॉर्टिंग में ये लिंक फंसा हुआ है, और हम अगर ये लॉक होता है तो क्या करेंगे, हम ये इसमें से निकाल कर अगले दो में इसको लिंक को फिट कर देंगे और फिर से रीस्टार्ट कर देंगे, तो ये प्रोग्राम हम दोबारा इसको कर सकते हैं, ये अनलॉक हो जाता है। फ्रेंड्स हम आपको वन वीक टाइमर प्रोग्रामिंग का वीडियो दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंट्रोल पैनल आइडियाज, आई एम प्रमोद परियार। माय टॉपिक इज, जैसा कि आप देख रहे दिया है दोस्तों वन वीक टाइमर है ये, इसके प्रोग्रामिंग के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मेरे साथ बराबर वीडियो में वॉच करिएगा, इसकी जानकारी आपको तब तक प्राप्त होगी। तो चलिए इसके प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले ये हम DSP और RST ये दो बटन को पुश करेंगे, ये दिया है दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसा कि ये दिया हुआ है, ये LO सिवाय लॉक, ये 0004 टाइप 0 रहेगा, इसको इंटर करेंगे। इसके बाद RL1M इसको CYC ON रखेंगे, CYC ON इंटर किया। फिर STS आपका
एसटीएम वो एसटीएम चाहिए, एसटीएम आ गया दोस्तों, एसटीएम 99.59। इंटर किया ऑन 5। ऑन एम में 99.9 इसको इंटर किया। इसके बाद ऑफ एच चाहिए, ऑफ एच के लिए ऑप्शन में जाएंगे, ऑफ एच के बाद इसको ऑफ एच में आएगा 999। इसको इंटर किया। अब सी वाई टू में एनसी चाहिए इसमें दोस्तों, एनसी को हमने इंटर किया, DIRN डाउन इसको इंटर किया, एसटीआरटी पल्स, इसको पल्स पे इंटर किया, FPRS लॉकी, LOCY दोस्तों। ये टाइमर सेट हो चुका है, ये 1 वीक टाइमर है और ये 1 घंटे के लिए फैन को रनिंग किया हुआ है। तो हमारा ये 60M जो देख रहे हैं आप, 60M का जो पल्स आ रहा है, M के सामने जो ग्लो हो रहा है लाइट, ये 60 मिनट का है, यानी 1 घंटे हमारे पंखे चलने वाले हैं, उसके बाद 1 वीक के लिए ऑफ हो जाएंगे। तो दोस्तों ये टाइमर बहुत ही कमाल का आइटम है, इसे हम ट्रांसफार्मर के फैंस को कंट्रोल करते हैं। कूलिंग फैंस कंट्रोल फ्रॉम 1 वीक टाइमर। तो दोस्तों ये कूलिंग फैन जो हमारे ट्रांसफार्मर के जो कूलिंग फैन है, जैसा कि देख रहे हैं आप दिए है दोस्तों, ये हमारे कूलिंग फैन है, जैसा देख रहे हैं आप, ये रेडिएटर में कूलिंग फैन लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर के, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा 1 वीक टाइमर लगता है ये कंट्रोल पैनल में, मार्शल बॉक्स में। तो ये हम इसको प्रोग्राम कर देते हैं, 1 हफ्ते में 1 घंटे के लिए हमारा ये कूलिंग फैन को रन करेगा। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो हमको हमारा फैन कभी जाम नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़रूरी नहीं है कि ये फुल कंडीशन पे आएगा और जब आपका फ़ैन चालू होंगे, हो सकता है 6 महीने हो जाए, 3 महीने हो जाए जब फैन चालू हो, तो पता लगे उस कंडीशन में फ़ैन हमारे जाम पड़े हुए हैं। तो उसको 1 वीक टाइमर हमेशा रनिंग में रखता है, एक हफ्ते में 1 घंटे के लिए इसको चलाते हैं फैनों को, तो हमारा ये हेल्दी कंडीशन में बने रहते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।